हेलो एवरीवन, आज मैं सिंपल कुर्ते की कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको बताऊँगी कि कैसे सिंपल कुर्ते की कटिंग करनी है। ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं कटिंग के बहुत सारे टिप्स आपसे शेयर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका मेज़रमेंट है लेंथ 36 इंच, ब्रेस्ट 35 इंच, वेस्ट 31 इंच, हिप 38 और तीरा इसका है 13 इंच। तो चलिए अब काटना देखते हैं कैसे काटना है। तो जैसे कि मैं ये बिगनर्स के लिए बना रही हूँ जिनको बिल्कुल काटना नहीं आता, तो ये कपड़ा मैंने ऐसे लिया है, ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये जो कुर्ता है इसकी लेंथ जो है कम है, इसीलिए ये 2 मीटर में बन जाएगा। वैसे 2.5 मीटर कपड़ा लगता है कुर्ते पे, तो ये 2 मीटर है, तो इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े को हमें इस तरह से लेना है ताकि साइड से जो है इसकी बाजू जो हम काट सकें। ये कपड़ा मैंने एक साइड से डबल फोल्ड कर लिया है, तो इसको ऐसे अच्छे से बीच में से पकड़ के आप बिछा लीजिए ताकि इसमें झोल ना रहे, जो कि अगर झोल रहता है तो फिर बाद में आपका सूट टेढ़ा जाने लगता है। तो इसको ऐसे बिछा लीजिए। तो ये हम इसकी जो चौड़ाई है, जो डबल फोल्ड है, इस ऐसे लेंगे, हिप के हिसाब से लेंगे। जैसे हिप से जो घेर होता है वो 1 इंच वैसे ज़्यादा होता है। इस कुर्ते का जितना हिप है उतना ही घेर है, तो हिप उसका है 38 इंच, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर 9.5 इंच आएगा हमारे पास, तो 9.5 इंच उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे साइड फोल्ड के लिए। तो उस हिसाब से हमें ये कपड़ा डबल फोल्ड करके रखना है। ये हो गया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे, इस कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे, कहीं पे कुछ झोल ना रहे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसका सही तरीका है, आप बीच में से पकड़ के उसको अच्छे से झटक दो तो वो बिल्कुल सही आता है। अभी क्या करेंगे, उसको हम ये साइड से सीधा एक निशान लगा लेंगे। कोई भी कपड़ा आप काटते हैं तो उसको सीधा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बाद में फिर टेढ़ा ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो उसको सीधा करने के लिए हम ऐसे स्केल रखेंगे और एक सीधा निशान लगा लेंगे। तो अभी हम यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे तुरपाई करने के लिए। अगर आपको सिलाई लगाना है तो आप 1 इंच ले सकते हैं, तो इसमें मैं तुरपाई करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने ये 2.5 इंच ले लिया है। तो इस निशान को भी अभी मैं ये सीधा कर लूँगी। अब हम इस जो कुर्ते की लेंथ है उसको नापेंगे। तो इस कुर्ते की लेंथ जो है वो 36 इंच है, तो हम यहाँ से नाप लेंगे। इस निशान से मैं 36 इंच नाप लूँगी और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी जो कि ऊपर सिलाई में आएगा। तो 36.5 पे एक मार्क करेंगे, फिर उस मार्क को भी सीधा कर लेंगे। ये मार्क करने के बाद अभी सबसे पहले हम तीरा नापेंगे, जो कपड़े का बंद वाला साइड है, जहाँ से बंद है वहाँ से हम नापेंगे। उसका तीरा है 13 इंच, तो उसका हम हाफ ले लेंगे, 6.5 इंच। तो इसके बाद जो आर्म होल है वो रखेंगे 6.5 इंच। नॉर्मली 42 तक जितनी भी चेस्ट के नाप होते हैं उनका ये आर्म होल जो है वो 6.5 ही रखना होता है नॉर्मली। इससे ज़्यादा अगर फिटिंग हो तो उसका मेथड अलग होता है। इतनी अगर फिटिंग है किसी की 42 चेस्ट तक, उतना ही रखना है 6.5। तो ये जो ऊपर तीरा रखा है, ये भी अगर गला आपका ज़्यादा डीप है तो उतना ही तीरा आपका कम हो जाएगा। तो इस कुर्ते का जो है नॉर्मल है तीरा, तो इसलिए मैंने जितना उसका कुर्ते का नाप लिया था उतना ही तीरा रखा है। अगर इसका जो गला है वो 5 इंच से ज़्यादा होता है तो फिर हम तीरा जो है वो 1-1 इंच कम कर देते हैं जितना होता है।
तो वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी बाद में। उसके बाद जो फिटिंग का हम वेस्ट का निशान लगाते हैं वो 14 इंच पे होता है, तो आधा इंच और एक्स्ट्रा लिया तो 14.5। तो ये जो फिटिंग का निशान है कमर का वो 14.5 पे आएगा, और जो चाक का निशान है वो 21 इंच पे होता है, आधा इंच उसमें हम ऐड करेंगे तो ये 21.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। ये 21 इंच पे ही लगता है, वो अगर कोई ज़्यादा चाक का निशान कई लोग नीचे पहनते हैं तो वो उस हिसाब से नीचे भी हो जाता है, पर नॉर्मली जो है वो 21 होता है। अभी हम इन सब निशानों को सीधा कर लेंगे। अभी हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। सबसे पहले चेस्ट का लगाएंगे, तो चेस्ट जो है उसकी है 35 इंच, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9-0.2। तो यहाँ पे हम 9-0.2 निशान लगाएंगे। इसमें हमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, ये नाप कुर्ते से ही लिया है। जब हम कुर्ते से नाप लेते हैं तो हम उतना ही रखते हैं, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। जब किसी की बॉडी से नाप लिया जाता है तब उसमें ऐड ऑन किया जाता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐड नहीं करना। अभी हम कमर का निशान लगाएंगे वेस्ट का, तो वेस्ट है उसकी 31 इंच, तो 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8-0.2। तो 8-0.2 पे निशान लगाएंगे। अभी ये हम हिप का निशान लगा लेंगे, हिप है 38 इंच, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 4 से तो आएगा 9.5 इंच, तो ये निशान हम लगाएंगे 9.5 इंच पर। अभी हमने ये जो तीरे का निशान लगाया था 6.5 इंच पर, तो यहाँ से हम 6.5 इंच ले लेंगे, इसको हम सीधा एक निशान लगा लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो निशान है इनको हम आपस में मिला देंगे। ये जो कमर का है यहाँ से आपने गुलाई देनी है जब सिलाई लगानी है, तो यहाँ से क्या करना है, आपने जब गुलाई देनी है यहाँ से बीच में से 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। ये बहुत इजी तरीका है, तो ये आप याद रखेंगे तो कभी भी आपका ये कटिंग जो है गलत नहीं होगा। यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा के फिर आपने उसको गोलाई देनी है। तो ऐसे अगर आप ये आर्म होल को ऐसे गोलाई देंगे तो बिल्कुल सही आएगी। अगर आप ये गोलाई में ज़्यादा गहराई कर देते हो तो पीछे की तरफ से जो आपके कंधे हैं वो खींचने लग जाते हैं, तो इसको इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। अभी आपने 1.5 इंच का मार्जिन रख के एक निशान लगा लेना है जो आप एक्स्ट्रा रखेंगे। इन निशानों को भी आप मिला लेंगे जिसके ऊपर आप कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसको काट देंगे। तो अभी हमारे जो फ्रंट साइड है उसकी कटिंग हो चुकी है, तो अभी इसके बाद हम जो पीछे का है पार्ट उसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमारा ये वाला कपड़ा है आगे का, उसको हम वैसे ही डबल फोल्ड करेंगे जैसे हमने फ्रंट साइड काटते टाइम किया था। अभी यहाँ से वैसे ही बीच में से कपड़े को फोल्ड करके पकड़ के झटक लेना है ताकि अच्छे से सीधा हो जाए, तो उसको अच्छे से बिछा लेना है आपने। अभी इसके बाद जो हमने फ्रंट जो पल्ला है वो काटा था उसको इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से सब जगह पे बराबर करके फिर हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है
वो काट देंगे नीचे से। फिर इसको सेम हमने उतना उतना काट देना है। तो ये हमने सेम टू सेम वैसे ही काट लिया है फ्रंट साइड को ऊपर रख के। अब हम फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसकी हम कटाई डालेंगे। तो ये जो फ्रंट साइड है उसको हम ऐसे पकड़ के अलग कर लेंगे, पीछे का जो पल्ला है उसको साइड कर देंगे, उसको हमने कुछ नहीं करना है अभी। जो ये हमारा फ्रंट साइड है उसको ऐसे हम रखेंगे। जहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई डाली है वहाँ पे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को मिलाते हुए जो है फ्रंट साइड की वो हम कटाई करेंगे। तो ये हमारा जो है फ्रंट साइड वो रेडी हो गया है, इसमें हमने कटाई डाल दी है। ये देखिए ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये आगे का। ये देखिए फ्रंट और बैक हमारे जो हैं वो कट हो चुके हैं। अभी हम जो इन दोनों को ऐसे रखेंगे बिल्कुल अच्छे से उसको हम रख लेंगे क्योंकि हम अभी इसमें टक्स लगाएंगे, कुटका भी बोलते हैं कुछ लोग। ये जहाँ पे हिप है जहाँ पे चाक का निशान है वहाँ इसलिए लगाएंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने चाक का है, यहाँ पे वेस्ट का है और ये फिटिंग का है, ब्रेस्ट का निशान है, तो यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारा अभी दोनों पल्ले बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम बाजू की कटिंग करेंगे इसके बाद। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो जितनी हमें लेंथ चाहिए, फिर हम इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हम जो है एक निशान लगाएंगे, एक सीधा निशान लगाएंगे बिल्कुल। अभी हमने ये निशान लगा लिया है। अभी इस निशान से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ये 1.5 इंच कर लेंगे हमें फोल्ड करने के लिए, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब जो है जो बाजू है उसका जो वो लूज आगे से कितनी रखनी है वो है 5 इंच। तो हम यहाँ पे 5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। तो अभी बाजू की जो हमारी लंबाई है वो है 16 इंच। तो 16 इंच में 1/2 इंच हम ऐड करेंगे सिलाई के लिए, तो 16.5 इंच पे हम ये निशान जो है वो लगा लेंगे। 1.5 इंच आगे हमें छोड़ना है और 1/2 इंच ऊपर छोड़ना है। तो ये हमारी निशान लग गया है। अभी हमने यहाँ से 3 इंच का एक निशान लगाना है, जो हमें बाजू की गोलाई देनी है ये आप याद रखना। ये 3 इंच पर हम उसकी जो है कटाई डालते हैं बाजू की। तो यहाँ से ऊपर से एक 2 इंच का निशान लगाना है जहाँ से वो गोलाई शुरू होगी। यहाँ से सीधा रहेगा और यहाँ से गोलाई होगी 3 इंच तक। ये जो है हमारा जो आर्म होल है हम नॉर्मली 8 इंच रखते हैं, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अभी हम जो है इसकी गोलाई उसका निशान लगाएंगे। ये जो 2 इंच है ये सीधा ही रहेगा और 2 इंच के बाद जो है वो हम गोलाई शुरू करेंगे। ये 2 इंच और ये इसको ऐसे गोलाई देते हुए हमें वहाँ तक इस तरह से एक
निशान लगाना है। तो ये हमारा निशान लग गया है। अभी हम ये दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। अभी ये जो है एक्स्ट्रा आपको कितना मार्जिन रखना है वो रख के आप निशान लगा लो। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी ये हमारी बाजू कट के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, सीधा रखेंगे, फिर जो फ्रंट साइड की कटाई है वो हम डालेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर हम इसकी ये 2 इंच तक ऐसे गोलाई में कटाई डाल देंगे। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। तो अभी ये हमारा सूट जो है बिल्कुल कट के तैयार है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सिलाई भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं कुर्ता सिलने की वीडियो भी डालूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।